हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम देखने वाले बीटेक एआई जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसका स्कोप कैसे होने वाला है इंडिया में आगे चल के, और अगर आप बीटेक एआई करते हो तो उसके बाद आपको कितनी सैलरी मिलती है, तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले थे। ये वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको सैलरी भी पता चले कि कितनी मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो स्कोप होता है बीटेक एआई का, तो अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पे आपको मिलने को देखने को मिलती है। मतलब जो एआई का जो सेक्टर है अभी बहुत ज्यादा हाई पे, मतलब इसका जो ग्रोथ होने वाला है बहुत ज्यादा होने वाला है। जो स्कोप होगा बीटेक एआई वालों का तो वो भी बहुत अच्छा होगा। आपको जो जॉब भी अच्छी मिलेगी और पैकेज भी अच्छा मिलेगा। उसके बाद एंडलेस लर्निंग पॉसिबिलिटीज है। अगर आप एआई में जाते हो वहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डीप में बहुत ज्यादा जो पॉसिबिलिटीज होती है सीखने की, मतलब जो आप सीख रहे हो तो उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। उसमें डीप लर्निंग होता है, डेटा एनालिटिक्स होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, तो यहाँ पे आप जा सकते हो। उसके बाद एआई बेस्ड स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी अभी बहुत बढ़ रही है। जो भी एआई आ रहे हैं तो उसमें जो स्टार्टअप होते तो वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे, तो वहाँ पे भी जो अच्छा खासा स्कोप अपने को आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो इंडस्ट्रीज होती है जो हायर करती है बीटेक एआई प्रोफेशनल को, तो उसमें आईटी सेक्टर तो है, मैं उसके अलावा दूसरे बताने वालों को दूसरे भी बहुत सेक्टर है जहाँ पे जो है, जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, यहाँ पे जो आप काम कर सकते हो, इसमें भी बहुत ज्यादा हायर कर रहे हैं बीटेक एआई वालों को। उसके बाद आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस है, तो यहाँ पे भी जो आप जा सकते हो। उसके बाद आता है रिटेल एंड ई कॉमर्स होता है, तो यहाँ पे भी जो आप काम कर सकते हो। और उसके बाद एग्रीकल्चर में भी जो है अभी एआई टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पे भी जो आप काम कर सकते हो। और आईटी इंडस्ट्री तो है ही, वहाँ पे तो आप काम कर ही सकते हो, बट ये उसके अलावा सेक्टर से जहाँ पे हायर करते बीटेक एआई वालों को। उसके बाद बात करें कि सैलरी कैसे होती है, जो सैलरी ट्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग में सैलरी लगभग 4 लाख से लेके 5 लाख तक का पैकेज आपको आसानी से मिल जाता है। अगर आपको 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो उसके बाद लगभग 7 से 10 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाएगा। और सीनियर लेवल सैलरी की बात करें तो वहाँ पे लगभग 30 से लेके 40 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाता है। और दूसरे कंपेरिजन करेगी जो दूसरी इंजीनियरिंग फील्ड्स होती है, तो वहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका जो स्टार्टिंग सैलरी होता है लगभग 4 से 9 लाख तक का होता, तो ENTC जो होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो उसका लगभग 3 से 7 होता है, इससे कम ही होता है। उसका कंप्यूटर इंजीनियरिंग इसका ज्यादा होता है, 5 से लेके 16 लाख तक का पैकेज पर ईयर के लिए मिल जाता है। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसका 2 से 6 होता है। तो जो बीटेक एआई, तो मान लो कि 2 नंबर CS के बाद 2 नंबर पे आता है अगर हम सैलरी की बात करें तो।